हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाना सीखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत आसान होता है। इसे बनाने के लिए हमें एक बीन बनाना है, बीन का शेप बनाना है। इस तरह राजमा सोयाबीन होती हैं, एक हम बीन का शेप बना लेते हैं। उसके बाद एक और छोटा सा बीन का अंदर का शेप उसके अंदर बनाना है, बीन के अंदर बीन का शेप। उसके बाद हमें उसके टेंटिकल्स बनाने हैं, कुछ इस तरह के टेंटिकल्स होते हैं, लंबे लंबे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे और एक दूसरे को इंटरसेक्शन करते हुए दोनों साइड से। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं और इसमें सेल एक्सक्रीशन भी करता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के सेल की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। कोने में थोड़े टेढ़े मेढ़े टेंटिकल्स बनाने के बाद इसमें हमें सारे में डॉट डॉट करना है, इसके अंदर वाले लेयर में। ये बेसिकली रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, इसके अंदर येलो कलर हो सकता है। इस तरह सारे में डॉट डॉट करते हैं, जिसका अंदर का पार्ट होता है, फ्लूइड होता है एक तरह का ये। इनर पार्ट में डॉट करने के बाद हम इसको ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा डबल सेट कर देते हैं, आउटलाइन कर देते हैं एक तरह की, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। इसके लिए हम रेड स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज भी कर सकते हैं, लाइट ब्राउन भी करा जा सकता है। कहने का अर्थ रेडिश कलर। इसके टेंटिकल्स के अंदर रेड लाइनिंग की शेड करें। कुछ इस तरह जो थोड़ा व्हाइटिश गैप भी छूट जाए। एक सिंपल डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का। हमें डबल बीन्स बनानी है, बीन के अंदर बीन और उसके टेंटिकल से लटका देना, जैसे जेलीफिश के होते हैं। सिंपल सी एक लाइन खींचनी है, पानी की बूंद होती टपकने को होती उस तरह लंबे लंबे से, और गैप में जितने ऊपर उतने ही नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से बनाते हैं। एक तरफ का बना लीजिए, फिर नेक्स्ट बार में दूसरी तरफ के बनाते जाइए। लेकिन एक गैपिंग होनी चाहिए जिससे सीक्वेंस अच्छा लगे देखने में, और डॉट तो लगा ही सकते हैं। तो इस तरह हमारा डायग्राम बन गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।